पर्सन से गुजारिश करना चाहूंगा वो आपको पैर भी दिखाए। पूरे तरीके से ये प्लास्टिक टांग है, एक ही टांग पे ये जो है झारखंड से आए। मेरे साथ दो श्रद्धालु मौजूद है, हरिद्वार से इनका ताल्लुक है, इनका ताल्लुक झारखंड से है और दोनों जो है उधमपुर से पैदल सफर करते हैं। सालाना अमरनाथ यात्रा 2023 के हवाले से लगातार आप तक हम रिपोर्ट पहुंचाते रहे हैं। मुख्तलिफ श्रद्धालु से हमने बातचीत की है, इस वक्त जो है बहुत ही दिलचस्प कहानी आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। ये जो मेरे साथ दो श्रद्धालु मौजूद है, हरिद्वार से इनका ताल्लुक है, इनका ताल्लुक झारखंड से है और दोनों जो है उधमपुर से पैदल सफर करते हैं। उधमपुर से पैदल सफर तय करते करते इस वक्त पहलगाम के बेताब वैली के मकाम पर पहुंचे, तो हमने इनको देखा और हमने सोचा कि इनसे बात करें, इनके मनोकामनाएं के हवाले से जाने और इनके इस सफर के हवाले से हम जाने। इंग्लिश बूस्टर में खास क्या है? ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर मुबने उर्दू और कश्मीर तर्जुमे के साथ साथ एक कन्वर्सेशन किताब है। बच्चों को रटा लगा कर याद करने की जरूरत नहीं बल्कि इंट्रक्शन से ही उनकी स्पीकिंग एबिलिटी बूस्ट होती है। इसमें वही कंटेंट है जिसका हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। कलर प्रिंटिंग के साथ साथ इन जुबानों में ग्रामर है। अगर आप इस किताब को मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रابطہ करें। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है झारखंड से आए हुए बाबू, अपना नाम बताए पहले। मेरा नाम गुरुजी का दिया हुआ छोटा सा नाम है, सूरजनाथ ओगड़पीर। बताइए कि कब से आप पैदल चल रहे थे? ऐसे तो 2007 से हैं लेकिन 11 कंटिन्यू नहीं करते, 2011 से कंटिन्यू चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ उधमपुर से जब इस साल आप निकले तो कितना टाइम लगा, कितने दिन लगे? अरे टाइम तो लग ही गया अब, क्योंकि हम थोड़ा सा कचरे चाल में है। मैं कैमरा पर्सन से गुजारिश करना चाहूँगा वो आपको पैर भी दिखाए। तो यहाँ पे पूरे तरीके से ये प्लास्टिक टांग है, एक ही टांग पे ये जो है झारखंड से आए हैं। बहुत ही दिलचस्प कहानी है, एक ही टांग पे झारखंड से आए हैं और बाबा का दर्शन करने के लिए पवित्र गुफा तक ये जाना चाहते हैं। और आप देखें इनका हुलिया बेहद खास हुलिया है। हमारे साथ एक और श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद है, हरिद्वार से इनका ताल्लुक है। बाबा अपना नाम बताए। शिव जोगीनाथ। तो आप बताए पहली यात्रा है आपकी? हमें पहली बार अमरनाथ में आ रहे हैं, हमें केदारनाथ स्थान है लेकिन जन्मभूमि उत्तर प्रदेश की हरिद्वार, लेकिन हम तब में केदारनाथ में रहे। तो आप बताए हमें, आप कभी में अब मैं अमरनाथ पहली बार आ रहे हैं। क्या मनोकामनाएं लेकर आप यहाँ पे आए? कभी मैं दर्शन करने आए, कभी मैं अमरनाथ बर्फानी बाबा के, कभी मैं ज्योतिर्लिंग के, कभी मैं ईश्वर स्वरूप के, कभी मैं 12वीं से 11वीं और 12वीं से 8वीं शताब्दी के साधु संत महात्माओं से, और मान लो इस प्रकृति देवो भक्त से, और इस हिमालय देवता के आशीर्वाद से, और इसकी ओट में मान लो एक जो कि प्रकृति का देवो भव ईश्वर स्वरूप है, और उस स्वरूप ही और स्वरूप ने इस हिमालय पे जो कि केदार खंड है, और उस केदार खंड में मान लो अमरनाथ बाबा बर्फानी है, और केदारनाथ और केदार खंड की ये हिमालय एक गाथा कहती है जो 8वीं और 12वीं सदी से और आज तक कलयुग में भी इसके प्रमाण आधारित हैं और इसी पे ही ये जारित हैं। और ये हिमालय जो कि एक बर्फ की ओट में और सफ़ेद चादर में लपेटा हुआ प्रकृति देवो भव और उस पंच तत्व भूमि पृथ्वी जल वायु आकाश का एक आधारित है, और ये धरती माता और हिमालय देवता, हिमालय देवता ये नमो नमा प्रकृति भव।
मगो गा रहे हैं रगड़े वाले मंजिले गाने, तो हमें तो नचने ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अपने घर परिवार की अच्छी कामना और स्वस्थता की दुआ करते हैं, कोई बुलंद और उससे कामना करते हैं, कोई बड़ा बुलंद नारा बाबा के लिए। नारा तो यही है कि भारत देश सुरक्षित रहे, और भारत देश का नारा है, और एक एक घर स्वच्छता में ही, भारत देश में समृद्ध परिवार हमारा है, और एक जड़ी बूटी से औषधिक दवाओं का भी ये ज्ञान ज्ञाता है और ज्ञात है, और सभी दवाओं का पर्याप्त है, और सब मान लो हर वायरस से लेकर दवाओं के हम लोगों के पास वायरस की काट। चलिए नाज़रीन मोहतरम, हरी दीवार से ये बाबू हमारे साथ बात कर रहे थे, उधमपुर से लगातार पैदल चल रहे, चार पांच दिनों से पैदल चल रहे, बेतवाली के मकाम पे हमें मिला, और ये जो है बराबर पवित्र गुफा तक पैदल चले गए। इससे पहले भी इसके साथ जो दूसरा साथी था एक टांग पे जो है उधमपुर से, वो भी यहाँ तक पहुँचे, वो भी पैदल ही पवित्र गुफा तक पहुँचे गए। अमरनाथ यात्रा के हवाले से आप तक अपडेट पहुँचाते रहेंगे। आप दीजिए फिलहाल इजाज़त, अल्लाह निगेबान।